पहला सवाल सबको हाँ जी आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप आए और आप आए इसे बहुत बहुत धन्यवाद। करीब करीब 1,33,000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल को है और काफ़ी सारे लोग हमारे वीडियोस ऑब्जर्व करते हैं जिसमें मोटिवेशनल वीडियो है, इंस्पिरेशनल वीडियो है, अलग अलग मानसिक बीमारियों के हैं, हिप्नोसिस के हैं, सबकॉन्शियस माइंड के हैं। तो ये जो वीडियो लोग वॉच करते हैं लोग अच्छे हो जाते हैं, वॉच करते करते भी उनको ज्ञान मिलता है। और हमारा मकसद जो है मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, वो हमारा मिशन जो है वो पूरा करने में आपका हाथ लगाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जो काफ़ी सवाल हमको आए हैं वो उसमें पहला है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, प्रेमचंद जी का सवाल है जिसमें उन्होंने पूछा है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। जरा आप सवाल जरा दोहराएंगे वो। सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कैसे करें, सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कैसे करें, ऐसा सवाल है। तो ये सवाल में उन्होंने जो पूछा है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि देखो हमको सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% है, कॉन्शियस माइंड है वो 10% है। सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के लिए एक तो बार बार आपको हैमरिंग करनी पड़ेगी तो आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर सम्मोहन के जरिए कर सकते हैं, मतलब सेल्फ हिप्नोसिस या हेट्रो हिप्नोसिस सम्मोहन के माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा जो है वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं। तो चौथा जो है वो सेल्फ सजेशंस, और पांचवा जो है वो अच्छे वीडियोस देखना, बार बार अच्छी किताबें पढ़ना, बार बार हैमरिंग करते जाना अपने कॉन्शियस माइंड के ऊपर, तो आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका सवाल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शशिकांत माळी यांचा प्रश्न आहे मराठी, मेटाफिजिकल ओसीडी बद्दल त्यांना माहिती पाहिजे। हाँ, तो ओसीडी में जो है उन्होंने बताया हुआ है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, शशिकांत जी है उन्होंने पूछा है, मैं हिंदी में उसका जवाब दे रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए क्योंकि मराठी आने वाले बहुत कम लोग हैं। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो एक बीमारी है जिसमें बार बार वही विचार आते रहते हैं, और बार बार विचार आने से वो आदमी को डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी जो विचार आते हैं उसके इमेजेस भी आते रहती है दिमाग में, इमेजेस, तो बार बार विचार आएंगे, बार बार इमेजेस आएंगे, और उसको पुस्तक करना पड़ता है, कुछ एक्शन लेना पड़ता है, कुछ कृति करनी पड़ती है जिससे उसको शांति मिलती है। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसका इलाज जो है वो है उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फिर हिप्नोटिज्म है, हिप्नोथेरेपी है, उसमें SSRI भी है, ड्रग्स है ना, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर वो मेडिसिन से वो ले सकते हैं, सम्मोहन उपचार, ऐसे अलग अलग माध्यम से उसका इलाज हो जाता है। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हाँ जी, भीम टीवी ने पूछा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं। हाँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भीम टीवी ने पूछा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कि वो बोलता है कि जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा। अब ऐसा है इसमें कि जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा, तो ऐसा सोचने से सिर्फ होता नहीं, हम हरदम ऐसा बोलते हैं कि सोचो जिससे आपके तरफ वो चीज़ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आपका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचते बैठेंगे तो चीज़ अट्रैक्ट हो जाएगी, सोचो और उसके लिए वो पूरा करने के लिए प्लान बनाओ, मतलब उसके लिए कृति करो, एक्शंस करो। सिर्फ सोचने से ऐसा नहीं होगा कि वो आप ही आप हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें कि आप सोच रहे हैं और वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएगी, उसका ब्रेन के ऊपर असर पड़ता है। यदि बार बार आप सोचते हैं तो उसका असर ब्रेन के ऊपर हो जाएगा, और ब्रेन के ऊपर असर होके हो सकता है कुछ चीज़ें हो जाएंगी आप, मगर आप ही आप होना असंभव है। आपको कृति करना भी उसके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अंदर से आपको ऐसी एक इच्छा हो जाएगी कि मैंने काम करना चाहिए, मैंने कृति करना चाहिए। तरनदीप भाटिया जी का सवाल है, डिप्रेशन और वो सुसाइड करने की इच्छा होती है उनको, उस बारे में। क्या होता है कि डिप्रेशन ऐसी बीमारी है कि ये बीमारी में आपको या जो व्यक्ति को डिप्रेशन होता है बहुत नर्वस हो जाता है, उसको कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं है, उसका इंटरेस्ट निकल जाता है, उसको ऐसा लगता है कि ये दुनिया में कुछ पड़ा नहीं है, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं है, भूख लगती नहीं है, नींद लगती नहीं है, उदास लगता है, खिन्नता लगती है, रोना आता है, पूरे बदन में दर्द होता है, और फिर कभी कभी सुसाइड के विचार आते हैं कि भाई इससे अच्छा तो मर जाऊँ, क्योंकि उसको फ्यूचर अच्छा दिखाई देता नहीं है। इसमें एक ही मुझे बताने का है कि इसका इलाज दो तरह से, एक तो एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स है, दवाइयाँ, वो आप ले सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की, जिससे वो मेडिकेशन से आपको डिप्रेशन अच्छा होने में मदद हो जाएगी।
और दूसरा जो है वो है उसका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मतलब उसको साइकोथेरेपी करते हैं कि जो विचार जो डिप्रेशन के आ रहे हैं वो विचार है और वो कैसे रैशनल नहीं है, वो रैशनल विचार नहीं है, वो एक इरेशनल विचार है, उनका जो विचारों का जो एक श्रृंखला है, विचारों की श्रृंखला वो कैसी गलत है, वो कैसे तोड़ना चाहिए। और विचारों की श्रृंखला गलत है क्योंकि क्या होता है कि कोई भी एक्शन आती है वातावरण से ये रिएक्शन देता है, कोई भी एक्शन आती है रिएक्शन देता है, और वो इलॉजिकल हो जाते हैं विचार, इरेशनल हो जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि भाई वो विचार जो इरेशनल इलॉजिकल है वो कैसे लॉजिकल और रैशनल मैं ला सकूँ मेरे विचारों में, और फिर वो हिसाब से कॉन्ग्रेंट मूड कैसा बनाना, ऐसा उसको ट्रीटमेंट देते रहते और उससे फिर जो सुसाइड की जो इच्छा है वो उसमें परिवर्तन आ सकता है। मगर ज़्यादा सुसाइड की इच्छा होंगी, यदि ज़्यादा सुसाइडल विचार बहुत ही होंगे और कभी उसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया होगा तो उसके लिए तुरंत मेडिसिन देना, और बहुत ही ज़्यादा सुसाइड का यदि विचार बार 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 आ रहा है, दौड़ रहा है सुसाइड के लिए, तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक देना वो भी अच्छा है इस बीमारी में। तबरेज आलम का सवाल है कि पैनिक अटैक में कोई ऐसी दवा है कि जो जुबान पे रखते ही उसको रिलीफ। तबरेज आलम का सवाल है, तो तबरेज आलम जी जो आपने बताया कि पैनिक अटैक में ऐसी कोई दवाई है क्या, कहाँ है, कुछ कुछ दवाइयाँ पैनिक अटैक में काम करती है। हम लोगों को ऐसा बोलते हैं कि कोई दवाई जैसी क्लोनेसिपाम है, क्लोनेसिपाम से दवाई जो है ना वो ऐसी जवान में ऐसे रख दिया, जवान के नीचे मुँह में रख दिया जवान के नीचे, तो वो वहीं पिघल जाती है और उसका तुरंत इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, ताकि जो भी पैनिक सिचुएशन है या पैनिक अटैक जहाँ भी आता है जो सिचुएशन में, तो वो अटैक में उसका वो फेस कर सकता है। तो वो कहीं जाना है, बाहर नहीं जा सकता, रास्ता पार करना है, फंक्शन में जाने का है, कोई उत्सव में जाने का है, कोई शादियों में जाने का है, भाषण देने का है, और उस समय कभी पैनिक अटैक आता है तो उसके लिए वो गोली बहुत काम करती है और आप ले सकते हैं। आदित्य शर्मा जी का अपने माता जी के लिए सवाल है, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से परेशान है और 3 साल से ओलंजरपिन ट्रीटमेंट पे है, वो पूछ रहे हैं कि पूरी तरह से वो ठीक होगा कि नहीं। हाँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, PTSD जो बोलते हैं, आदित्य शर्मा जी। तो ये जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये एक ट्रॉमा हो जाता है और उसके बाद में उनको स्ट्रेस आता है। तो ट्रॉमा जो भी है, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा मतलब बहुत बड़ा आघात हो गया, मानसिक आघात हो गया, वो धक्का बैठ गया, जिसमें कोई डेथ हो गई या बहुत कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया या बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कि जिसके वजह से वो ट्रॉमा बैठता है दिमाग को और फिर उससे स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस मतलब तनाव आता है, और तनाव से फिर उसको एंग्जाइटी आ सकती है उनको, या फिर डिप्रेशन आ सकता है, और उसके लिए एक तो दवाई का आप सहारा ले सकते हैं, मगर ज़्यादातर हिप्नोथेरेपी है, सम्मोहन उपचार और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है या रैशनल बिहेवियर थेरेपी है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो ट्रॉमा जो दिमाग के ऊपर बैठा है तो उसमें उसके ऊपर फायदा हो सकता है। डिसेंसिटाइजेशन का भी ट्रीटमेंट है, डिसेंसिटाइज करना, और डिसेंसिटाइजेशन से भी इसमें काफ़ी फायदा हो सकता है। विशाल का सवाल है, फियर ऑफ डेथ ड्यू टू हाइपोकॉन्ड्रियासिस। क्या होता है कि फियर ऑफ डेथ जो है विशाल, तो ये विशाल ने सवाल पूछा है, फियर ऑफ डेथ जो है कि मरने के बारे में बहुत बड़ा मतलब फियर या डर, तो ये मरने का डर जो है ये काल्पनिक डर है। ये तो पहला पक्का ही है कि मरने का डर काल्पनिक डर है। अब तो मरे नहीं है, अभी तो मर नहीं रहे, मगर कभी मर जाएंगे ऐसा लगता है। ऐसा कुछ तो भी अतीत में हुआ है जहाँ बहुत बड़ा धक्का दिमाग के ऊपर बैठ गया, या कोई एक्सीडेंट से बच गए, या कोई किसी का एक्सीडेंट देखा जहाँ वो बच गया, तो ऐसा कहीं तो भी अतीत में हुआ है कि जो अतीत में दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा धक्का बैठ गया और जिससे ऐसा उसको लग रहा है कि अपन मर जाएंगे, या किसी को कभी हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये पहले हमको ये देखना पड़ता है, ये काल्पनिक डर है, और काल्पनिक डर जो है वो कैसा काल्पनिक है उसके बारे में सोचना है कि भाई ये काल्पनिक है, एक्चुअल तो नहीं है, एक्चुअली अभी तो मैं जो है अभी तो नहीं मर रहा हूँ, अभी तो कोई नहीं है, सिर्फ अपने को जो मरने के विचारों से हाथ कांपना, दिल में घबराहट आना, बहुत धड़कन मतलब हो जाना ऐसी, या फिर घबराहट हो गई या पसीना आ जाना, घबराहट हो गई चल भी चल चल भी चल हो जाना, गलत है कि अभी अपन मर जाएंगे, चक्कर आना, ऐसा कि हाथ पर ठंड हो गए, तो ऐसा जो है ये डर काल्पनिक है। उस समय ये देखना पड़ता है कि अभी तो मैं मर नहीं रहा हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ तो भी अतीत में हुआ है वो मैंने सामने ला के रखा है और मुझे लगता है कि अभी आ गया है, तो उसको बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं देना, महत्व देने का नहीं, जो भी हो रहा है उसमें रिलैक्स हो जाना उस समय,
जैसे मैंने बताया कि क्लोनाजेपाम की गोली है वो खा सकते हैं, रिलैक्स होना, खुद को रिलैक्सेशन की मतलब जो टेक्निक है वो टेक्निक सीख जाना, और उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और ऑफकोर्स साइकोथेरेपी है, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। टेक स्पॉटर करके है, टेक स्पॉटर, उनका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में सवाल है। हाँ, क्या होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो एक टेक स्पॉटर, उनका सवाल है ये। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो एक जनरल एंजाइटी, मतलब ऐसा है कि उनको ऐसी एंजाइटी आती है कि उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं, हरदम टेंस में रहते हैं, और वो जनरल है। कोई भी सिचुएशन में बहुत बड़ी चिंता, जिसमें बहुत घबराहट आना, हाथ पैर कांपना, ऐसा लगता है कि शरीर में से कोई ताकत निकल गई है, चल विचल हो जाना, दिल में धड़कन आना, है ना, घूमना इधर उधर, ऐसा लगता है कि कुछ हो जाएगा कम ज़्यादा, या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई कुछ कुछ तो भी हो जाएगा जो मालूम नहीं, मतलब फियर ऑफ अननोन, ऐसा जनरल एंग्जाइटी है उसमें, और वो काफ़ी लोगों को आती रहती है। और इसमें बायोलॉजिकल रीजंस है कि भाई केमिकल लोचा होने से हो सकता है, या फिर कोई मानसिक लोचा हो गया, मतलब दिमाग के ऊपर आघात हो गया, कोई ऐसी घटना बचपन में हुई और जो घटना से उसको डर बैठ गया, और वहाँ से फिर जनरल एंग्जाइटी चालू हो गई। धीरेन्द्र जी का सवाल है, स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है उन्हें, और उसके बारे में वो जानकारी स्टैमरिंग के, धीरेन्द्र जी है, स्टैमरिंग के बारे में बोलते रहते हो, उन्होंने सवाल किया हुआ है कि स्टैमरिंग जो है वो है हकलाने की बीमारी। अब देखिए कि हकलाने की जो बीमारी है इसमें एक तो क्लियर है कि उनको अकेले बैठने में हकलाते नहीं है, कोई कविता बोल रहे तो हकलाएंगे नहीं, हरदम जो लोगों से उनका प्यार है, जो लोगों के सामने वो डरते नहीं है, वहाँ हकलाएंगे नहीं। हकलाते कब है, नई सिचुएशन है, नए लोग है, नई जगह पे जाने का है, या लोगों के सामने बात करने का, वहाँ हकलाएंगे। उनको ये देखना है कि यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मतलब फेस में या फेशियल मस्कुलेचर जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम दिमाग में होता है, टेंशन आता है, और टेंशन की वजह से ये पूरा स्पाज़म में चले जाता है, ऐसा अकड़ जाता है, और फिर तब ऐसा हो जाता है, फिर मतलब मुंह से शब्द नहीं निकलता, क्योंकि पूरा स्पाज़म में अकड़ जाता है पूरा, जैसा चक्का जाम हो गया साइकिल का, तुम्हें साइकिल चलेगी नहीं, वैसा ये हो जाता है, और फिर उसमें भौंकते रहता है। इसमें यही है कि उसको डिसेंसिटाइजेशन की थेरेपी देना जरूरी है, हिप्नोसिस है, हिप्नोथेरेपी है, और नए सिचुएशन में जाने के पहले कुछ ना कुछ दवाई खा के जाना, एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है, और रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज से इमेजिनेशन करना है कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि जहाँ मैं एकदम रिलैक्स होकर बात कर रहा हूँ। तो अलग अलग बिहेवियर थेरेपीज हैं कि जो हम उनको देते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, डिसेंसिटाइजेशन है, और गोलियाँ हैं कि जिससे ये इलाज पूरा 100% हो सकता है, वो पूरा अच्छा हो सकता है 100%। राहुल शर्मा जी का सवाल है, उनको नींद नहीं आती, जोलपिडेम 10 mg की 3 गोलियां रोज लेते हैं। हाँ, देखो नींद के लिए जोलपिडेम खाना, मतलब ये जो है जोलपिडेम की गोलियां खाना, इसकी तो आपको आदत लग चुकी है, जब 3-3 गोलियां आप 10 mg की खाएं, 30 mg बहुत ज़्यादा डोज है, इसे नींद तो आ जाएगी, वो ऐसा होगा क्या कि धीरे धीरे ये डोज भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि आपको पहले एक गोली खा के नींद आती होगी, अभी 3 गोली खानी पड़ रही है, तो आपको ये देखना है कि बिना गोली की नींद कैसी आएगी। तो आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि धीरे 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 विड्रॉ करनी पड़ेगी गोली, धीरे 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 इसका डोज कम करना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ जरूर होंगी क्योंकि इससे नुकसान भी है। नुकसान क्या है, नुकसान ये गोली ब्रेन के ऊपर असर करती है, और ब्रेन के ऊपर असर करती है तो मेमोरी के प्रॉब्लम आते हैं, अटेंशन लक्ष्य केंद्रित होना उसमें प्रॉब्लम आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम आना, ख्याल नहीं रहना, कभी कभी कन्फ्यूजनल स्टेट आना, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम ब्रेन के ऊपर एक गोली के आ सकते हैं। इसलिए गोली जल्द से जल्द आपको बंद करना पड़ेगा, हो सकता है कि महीना, 1.5 महीने, 2 महीने के मतलब ये स्पैन में आपने धीरे धीरे ये गोली बंद कर डालो। आप यदि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सीखते हो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, या सेल्फ हिप्नोसिस सीखते हो, और सेल्फ हिप्नोसिस सीखने के लिए मतलब हमारे क्लासेस होते रहते हैं, हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हैं उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सेल्फ हिप्नोसिस सीखे बिना गोली की नींद आ जाती है, और बिना गोली की नींद आ सकती है जो एकदम नॉर्मल रहेंगे, रिफ्रेशिंग रहेंगी। मोहित जी हैं गुजरात से, उनके वाइफ को सिज़ोफ्रेनिया है और वो काफ़ी लंबे रहते हैं, इसलिए उनको जानकारी चाहिए। हाँ, मोहित जी गुजरात से, सिज़ोफ्रेनिया उनकी वाइफ को है,
तो देखिए कि स्किजोफ्रेनिया जो बीमारी है तो उसमें काफ़ी मतलब ऐसा एक तरह का पागलपन है जिसमें थॉट डिसऑर्डर होता है, विचारों की श्रृंखला अलग अलग चलती रहती है दिमाग में, कभी कानों में आवाज़ कोई पीछा कर रहा है, शक आ रहा है, ऐसा होते रहता है। आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके लिए इलाज के लिए, एक तो हमारे हॉस्पिटल अकोला में है, हमारा हॉस्पिटल पुणे, नागपुर, मुंबई है, तो यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ अकोला में आ सकते हैं, यहाँ रिलेटिव के साथ में हम पेशेंट को भर्ती करते हैं, रिलेटिव के अलावा हम पेशेंट को भर्ती करते हैं, तो आप यहाँ उनका इलाज कर सकते हैं। अलग अलग नई नई मेडिसिन भी आई हुई है, वो मेडिसिन का इस्तेमाल करना, फिर फैमिली थेरेपी देना, साइकोथेरेपी देना उसके साथ साथ, और पेशेंट को अच्छा करना, ये संभव है, तो आप जरूर उनको संपर्क कीजिएगा। मिलिंद दास जी का सवाल है IBS के बारे में, ये क्यूरेबल है कि नहीं। हाँ देखो, IBS जो है ना मिलिंद दास जी, IBS जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि अपनी जो बाउल है, पाचन संस्था है, वो इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है, इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है कि उसमें फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है। एक तो क्या है कि एक तो दस ज़्यादा लगेंगी, मतलब लूज मोशन लगेंगी, या लेटरिन बार बार जाना पड़ेगा, लेटरिन जाएंगे तो समाधान नहीं होगा, फिर कभी कभी ऐसा लगेगा कि पेट फूल गया है, ढकार आ रही है, एसिडिटी हो रही है, ऐसा लगता है कि अनाज ऊपर ऊपर आ रहा है, पेट फूला हुआ है, या गैसेस पास हो रहे हैं, गैस पूरे पास नहीं हो रहे, ऐसा रेस्टलेस लगता है कि भाई ठीक नहीं है। कभी कभी लेटरिन दो दो दिन तीन दिन होंगी नहीं, या कभी होंगी तो बहुत ज़्यादा लगेंगी, ऐसा इरिटेबल बाउल का है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये पूरा साइकोसोमेटिक है, साइकोसोमेटिक मतलब मनोशारीरिक बीमारी है, इसमें लक्षण तो शरीर के है और इसका सोर्स जो है कारण वो है मानसिक, तो ये मानसिक कारण से शारीरिक बीमारी हो रही है। इसके लिए दवाइयाँ हैं, गोलियाँ की, जिससे बाउल मूवमेंट बराबर नॉर्मल हो जाएंगी, वो हम लिखते हैं, और इसके साथ साथ पेशेंट को साइकोथेरेपी देते हैं, साइकोथेरेपी से, हिप्नोथेरेपी से पेशेंट बहुत अच्छा और जल्दी अच्छा हो जाता है, काफ़ी सारे लोगों को हमने इसमें अच्छी राहत दिलाई है। हिंदी बज करके उनके चैनल का नाम है, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि 7th स्टैंडर्ड में उन्होंने आपकी हिप्नोटिज्म की किताब पढ़ी थी और वो हिप्नोटिज्म सीखना चाहते हैं, तो किस तरह से उनके? तो ये जो हिप्नोटिज्म आप सीखना चाहते हैं, हमारे हिप्नोटिज्म के यहाँ हमारे हॉस्पिटल में हम ऑनलाइन एक तो आपको सिखाएंगे, या फिर यहाँ पर्सनली आप आ सकते हैं, हम हिप्नोटिज्म के वर्कशॉप लेते हैं, यहाँ पेशेंट को ठीक करते हैं हिप्नोथेरेपी से, जिससे वो ठीक हो जाते हैं, और जो नॉर्मल है, जिसमें जिसको हिप्नोटिज्म सीखने का है और सीख के लोगों के ऊपर उसका इलाज करने का है, उसको भी हम हिप्नोटिज्म सिखाते हैं और वो भी उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। तो हिप्नोटिज्म सीखने के लिए आप जरूर हमारे हॉस्पिटल में आइए, हमारा हॉस्पिटल अकोला में है, महाराष्ट्र में, जो नागपुर से और भुसावल, मतलब नागपुर ऐसा गाँव है और भुसावल ऐसा है कि जहाँ हिंदुस्तान की कोई भी ट्रेन आ जाती है अपने भारत देश में, तो वहाँ आ सकते हैं, और आपको एयरपोर्ट चाहिए तो नागपुर में एयरपोर्ट है, वहाँ से आप अकोला आ सकते हैं, 250 किलोमीटर दूरी है, और वहाँ आके आप यहाँ सीख सकते हैं। अजय जी का सवाल है, हेल्थ एंग्जाइटी उनको बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा है कि वो सुसाइड करने की उनकी इच्छा हो जाती है। अजय जी, हेल्थ एंग्जाइटी है, और हेल्थ एंग्जाइटी ने मैं आपने जो शेयर किया उसे समझता हूँ कि हेल्थ एंग्जाइटी मतलब हेल्थ के बारे में काफ़ी सारा टेंशन हो सकता है, कि आपको ऐसा टेंशन है कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, या मुझे कोई बीमारी है क्या, या कोई बीमारी हो जाएंगी क्या, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ आपके दिमाग में टेंशन होगा अपने हेल्थ के बारे में, और फिर उसमें क्या होता है कि यदि टेंशन है तो फिर कुछ ना कुछ बीमारी लग ही जाती है, जैसा बदन में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, आगे दर्द, पीछे दर्द, पेट साफ नहीं होना, सर दर्द होना, पचन नहीं होना, फिर माइग्रेन के अटैक, टेंशन हेडेक के अटैक, या फिर मतलब ऐसा कोई भी मतलब पाचन संस्था की ज़्यादा हो जाते हैं, डिसनी आए, मतलब सांस लेने की बीमारी है, या फिर खुजली है, ऐसे अलग 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 बीमारी आ जाती है क्योंकि आप सोचते रहते, तो इसमें एंजाइटी का कोई कारण नहीं है। आप यदि खान पान के ऊपर आप ध्यान रखते हो बराबर, मेडिटेशन करते हो, हिप्नोटिज्म सेल्फ हिप्नोसिस करते हो, रिलैक्सेशन करते हो, एक्सरसाइज अच्छी करते हो, तो फिर बहुत ही उसमें फ़ायदा आपका हो सकता है, उसके एंजाइटी मतलब रखने की जरूरत नहीं है। जगदीश जी का सवाल है, उनके भाई गांजा पीते हैं लगभग 4 साल से, और पूछना चाहते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या बीमारी उससे हो सकती है। गांजा से क्या होता है कि एक तो गांजा की आदत लग के उसको पागल बना सकते हैं, नंबर एक पागल बना है। दूसरा, गांजा लेने की अवस्था में उसको कन्फ्यूजनल स्टेट आती है, कन्फ्यूजन स्टेट मतलब समझता नहीं है कि अपन कहाँ है, हाँ कौन सी जगह पे है,
उसको आभास होना चालू होता है, कहीं कहीं आवाज कान पे आती है, कुछ दिखाई देता है, कुछ तो विजुअल हेलुसिनेशन उसको हम बोलते हैं, कुछ दिखाई दे रहा, कोई नहीं है तभी कुछ दिखाई देगा, कोई नहीं है तभी आवाज सुनाई आ रही है, भाग रहा है, चीख रहा है, ऐसा हो सकता है। और फिर वो अवस्था में वो कुछ भी कर देगा, उठपटांग कुछ बातें कर देगा, उठपटांग कुछ काम कर देगा, मालूम नहीं पड़ता है। गांजा रोज 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 मतलब जैसा लेते जाएंगे तो गांजा ज़्यादा से ज़्यादा डोज उसका बढ़ाते जाना पड़ेगा, जैसा जैसा टाइम जाएगा वैसा वैसा। और वो सभी अपने बॉडी के ऊपर असर करता है, गांजा लीवर के ऊपर असर करेगा, पेट के ऊपर, दिमाग के ऊपर असर करेगा, और धीरे 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 आदमी उसमें खलास हो जाएगा। गांजा का इलाज जो करना जरूरी है, गांजा साइकोसिस खतरनाक होता है, क्योंकि गांजा भी लेता और साइकोसिस भी, मतलब पागलबंदी। पंकज जी का सवाल है, वो टैबलेट मीरा 7.5 लेते हैं डेली नींद के लिए, लेकिन कभी कभी उनको डिजीनेस और ड्राउजीनेस होता है, तो उसके बारे में वो जानकारी जानना चाहते हैं क्या वो इस। अब जो टैबलेट आपने बताया वो शायद मिनिटाजापिन है, मिनिटाजापिन की टैबलेट है, वो 15 मिलीग्राम की आती है, 7.5 मिलीग्राम की आती है, 30 मिलीग्राम की आती है। और ये मिनिटाजापिन जो गोली है मीराज जो आपने बताया, तो यार जब नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, तो उसमें दवा का काम पड़ता है। और ये सवाल क्या है इनका कि इस आदत और इससे से बचा जाए, तो ये तो गोली डिप्रेशन के लिए है। ऐसा है कि आज 15 मिलीग्राम खा के आपको नींद आ रही है, तो कल 30 मिलीग्राम खानी पड़ी उतना इफेक्ट आने के लिए, तो इससे बेहतर अच्छा है कि धीरे धीरे गोली बंद करना। सुशील जी का सवाल है, उन्हें प्यार में धोखा हुआ है, सुसाइड करने की मन करता है। देखो प्यार में धोखा हुआ है और सुसाइड करने का मन करता है, सुशील जी आपने ही बताया। अब देखिए कि प्यार में धोखा है तो उसमें काफ़ी सारा मतलब सवाल पूछा जा सकता है कि तो प्यार में धोखा आ रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे क्यों हुआ, क्या हो गया। बात ऐसी है कि जो भी कुछ हुआ वो हुआ, हो सकता है कि वो प्यार में आप शादी करते थे तो और कुछ ज़्यादा खतरनाक बात बाद में हो सकती थी, हो सकता है जो भी हो गया वो हो गया, जल्दी आपको मालूम पड़ा कि नहीं है, ठीक नहीं है, आपको धोखा दिया, आपने धोखा दिया, जो भी कुछ कारण हो उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मगर अभी सुसाइड करने से कुछ होने वाला है नहीं। आप काफ़ी सारे अटैच थे वो व्यक्ति को, और अटैचमेंट से ये प्रॉब्लम आते हैं, अपेक्षाएं बहुत रहती है, अटैचमेंट रहता है और उससे प्रॉब्लम आती रहती है। अभी जो हुआ वो अतीत में हुआ है, आप अभी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी काय के लिए, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो नया क्रिएट करो कि भाई मेरी ज़िंदगी अभी इसके लिए होंगी। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी ऐसे लोगों के लिए होंगी कि जो प्यार में, जिनका प्यार टूट गया है और जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए आपकी ज़िंदगी हो सकती है, तो आप वो क्रिएट करो। आपको अच्छी ज़िंदगी मिली है, वो ज़िंदगी जियो अच्छी तरह से। सुसाइड तो क्या, वो तो भागने वाला मतलब काम है कि भाग जाता है आदमी, और भाग के कुछ होने वाला है नहीं, तो इसमें कुछ ना कुछ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ इज़ प्रेशियस, यानी बहुत बड़ा कीमतीवान लाइफ है, वो लोगों के लिए आप क्या कर सकते हो वो देखो और जियो, देखो मजा आ जाएगा। यूनुस रजा जी का सवाल है, निगेटिव थिंकिंग से फ्रीडम कैसे पाए। देखिए निगेटिव थिंकिंग जो है वो तो आपको आने वाला ही है, उससे फ्रीडम तो मिलना, जान बुझ के जब आप उसके ऊपर करेंगे कुछ ना कुछ काम तो पॉसिबल है। अब निगेटिव थिंकिंग क्यों आता है, निगेटिव थिंकिंग आता है अपने अंतर्मन से। हमको दो मन है, हमने देखा है, एक तो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है। अंदरून कंटिन्यूसली ऑन गोइंग अपने आप से एक बड़बड़ 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 बड़ चालू रहती है, और वो अंदर से जो विचार चालू रहते हैं, जो मैंने पहले बताया कि 50,000 से 60,000 विचार रोज हमारे दिमाग में आते रहते हैं, मोस्टली वो विचार निगेटिव है, मोस्टली निगेटिविटी है, कंटिन्यूस निगेटिविटी है। अब वो निगेटिविटी जो है वो बार 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 आएंगी और आपको वो कुछ भी करने देंगे। उसको एक ही है कि भाई ये निगेटिविटी जो है, निगेटिव थॉट्स है, वो आते रहेंगे, वो हमारे जीवन का हिस्सा है, वो आएंगे ही। सवाल ये है कि वो निगेटिव थॉट्स आने के बावजूद भी आप काम करने में उत्सुक है क्या, काम करने में आप तैयार है क्या, आप एक्शन लेना पसंद करोगे क्या, आप एक्शन लोगे क्या, वो तो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉजिटिविटी ये बोलती है कि कल सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज करूँगा, ये आपकी पॉजिटिविटी बोलती है, कॉन्शियस माइंड बोलता है, या आपने अपने लिए कुछ तैयार किया हुआ है। अब निगेटिविटी कल सुबह उठ के बोलेंगी कि अभी मुझे आज रहने दो, आज नहीं उठेंगे, कल से उठना चालू करेंगे,
कल से एक्सरसाइज करेंगे। अब जो निगेटिविटी जो है उसको मानने का है और सो जाने का है, या जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने के लिए जाना है, निर्भर आपके ऊपर है। तो निगेटिविटी मरते दम तक रहेगी, आपको दिखना है कि अपन उसको सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। उसको सुनने का नहीं है, उसको बोलना है कि ओके समझ में आया निगेटिविटी है, और वो सब दुनिया को है ना कि मेरे को अकेले को है, और वो जो है वो आते रहे। अनिल जी का सवाल है, बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण क्या है? देखो बाइपोलर डिसऑर्डर ये मूड डिसऑर्डर है, अभी इतना पूरा मुझे जाना उसमें कठिन है, मगर बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है। और मूड डिसऑर्डर में उसको ये हो सकता है कि उसको, आप मुझे पता नहीं कि आपको एग्जैक्टली क्या कहना है, मगर हो सकता है कि उसको मैनिया के अटैक आ रहे हैं, और मैनिया 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 मतलब उन्माद हर्षवाई उन्माद हर्षवाई ऐसे अटैक आ रहे हैं उसको। हो सकता है कि उसको मैनिया के साथ में कभी कभी डिप्रेशन के भी अटैक आ रहे हैं, और डिप्रेशन मतलब निराशा उदासीनता, और वो भी अटैक आ रहे हैं, और कभी उन्माद के अटैक है कभी डिप्रेशन के अटैक है, और उसका इलाज करना जरूरी है। अच्छा ये है कि दोनों भी अटैक जो है उसका इलाज हो सकता है, दोनों अटैकों के बीच में आदमी नॉर्मल रहता है और अपना कामकाज पूरा कर सकता है। मौलिक जी का सवाल है, उन्हें एक बार पैनिक अटैक आया था और अब वो घर से बाहर जाने के लिए डरते हैं कि कहीं फिर से वैसा ना हो जाए, उसके बारे में। देखो पैनिक अटैक आया था आप घर से बाहर नहीं जा रहे मौलिक जी, पैनिक अटैक आ गया है और इससे बाहर जाना, तो एक बार तो आ गया आ गया। पैनिक अटैक का ऐसा है कि वो एक कंडीशनिंग आपके ब्रेन की हो गई कि आप एक बार बाहर गए, आपको वहाँ बहुत घबराहट हो गई, धड़कन बढ़ गई, हाथ कांपने लगे, जो भी कुछ हुआ वो हुआ, और आपको पहने रहा, अभी आप डर रहे बाहर जाने के लिए। अभी आप जितना डरोगे उतना ज़्यादा ज़्यादा होते जाएंगे, जितना आप घर में बैठेंगे उतना ज़्यादा ज़्यादा होते जाएंगे। तो अभी आपका चॉइस है कि तो घर में बैठो और ज़्यादा बीमारी बढ़ाते जाओ, नहीं तो दूसरा जिससे डर है वही काम करना चालू करो। जानबूझ के बाहर निकलना है, डर है उसके बावजूद भी बाहर निकलना है। अभी बोलना आसान है करना कठिन है। उसके लिए क्या है, उसके लिए जैसा मैंने पहले बताया क्लोनेजिपाम नाम की जो दवा है उसकी गोली आप दीवान के नीचे रख सकते हैं, जिससे कि आपको जो मतलब तकलीफ होती है वो तकलीफ कम हो जाएगी। और दूसरा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज एंड सेल्फ हिप्नोसिस आप सीख सकते हैं, जिसमें आपका डीकंडीशनिंग हो जाए, और डीकंडीशनिंग होगा तो आप आराम से बाहर जाना चालू कर देंगे। भूषण जी पूछ रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस से वेट लॉस होता है क्या? मेंटल स्ट्रेस से वेट लॉस, भूषण आप बोल रहे कि मेंटल स्ट्रेस से वेट लॉस होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्यों? मेंटल स्ट्रेस से वेट लॉस इसलिए होता है कि यदि दिमाग के ऊपर टेंशन है तो उसे एंग्जाइटी आ जाएगी, चिंता हो जाएगी, या फिर घबराहट है, या फिर वरी है, उसकी वजह से हो सकता है कि डिप्रेशन है, डिप्रेशन आ जाएगा। एक तो आपको चिंता है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, अपसेट है, उसके वजह से फिर खान पान में कम ज़्यादा हो जाता है, इच्छा नहीं होती, और यदि खान पान ठीक नहीं है, नींद बराबर आती नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपका वजन कम हो सकता है और अपने शरीर के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा। कमर काजी जी का सवाल है कि वो उनको इतना भूल जाते हैं वो, कि अभी अभी उनको सवाल लिखना है फिर भी वो भूल गए कि क्या पूछना था उनको। हाँ, इतनी ज़्यादा भुलक्कड़। देखो भुलक्कड़पन की ये बीमारी है, कमर काजी जी भुलक्कड़पना ये बीमारी है, और इसमें आप ये भी भूल गए कि आप क्या लिख रहे हैं, मतलब लिखते लिखते भी आपको भूल गए कि आपको क्या लिखना है। एक तो ये हो सकता है कि आपको ब्रेन का प्रॉब्लम है क्या, मतलब मस्तिष्क का प्रॉब्लम है क्या, भेजे का प्रॉब्लम है क्या, नंबर एक वो देखना पड़ेगा तपास के। दूसरा जो है वो कि भेजा नॉर्मल है, सब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, भेजे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है, तभी भी भुलक्कड़पना है। इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में इतने विचार चालू है कि आप वर्तमान को मौजूद ही नहीं, वर्तमान में क्या चल रहा है उसको आप मौजूद नहीं है, इतने विचारों की श्रृंखला चालू है, इतने क्राउडेड थॉट्स है, तो आप उसको मौजूद नहीं है। अब जब इतने अंदर विचार चालू है, इतना बार 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 आपको तकलीफ दे रहे विचार, क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि सामने क्या हो रहा है? तो आपको पहले ये प्रेजेंट होना पड़ेगा कि मेरे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, जो निगेटिविटी है, वो विचार है, नॉर्मल है, उसको पहले समझना और उसको पहले प्रस्तुत होना पड़ेगा। जब आप उसको पहले प्रस्तुत हो जाएगी तो आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। दूसरा जो है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या आप उदास है कोई कारण से,
कोई आपको एंग्जाइटी हो रही है, कोई आपको टेंशन है, कोई आपको ऑब्सेशन है, कोई फोबिया है कि जिसकी वजह से आपको याद नहीं रहना, तो वो देखना पड़ेगा तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम यदि रात हो सकता है। लोगों से इनकम्प्लीशन है, इनकम्प्लीशन मतलब अधूरापन लोगों के साथ में, तो फिर ये भुलक्कड़पन की बीमारी आ सकती है, डिप्रेशन में आ सकती है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कारण क्या है। अर्चना जी का सवाल है कि उनको उनके बेटे के बहुत पीछे लगना पड़ता है, वो पढ़ाई समय पर नहीं करते, उनको करवा के लेना पड़ता है हर काम, उनसे करवा के लेना पड़ता है। बच्चों के पीछे लगना पड़ता है, ये हर माँ की कंप्लेंट रहती है कि बच्चों के पीछे लगना पड़ता है, और कंप्लेंट इसलिए रहती है कि बच्चों को हम जिम्मेवार नहीं बनाते, जिम्मेदारी नहीं लेते, नहीं देते, नहीं सिखाते। हमने उनको वैसा बना लिया है कि जब तक हम उनके पीछे पड़ेंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं। माँ जब तक उसके पीछे पड़ेंगे नहीं तब तक वो स्नान नहीं करेगा, माँ जब तक पीछे पड़ेगी तब तक खाना नहीं खाएगा, माँ जब तक पीछे पड़ेंगी तब तक स्कूल के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये माँ ने तैयार किया होगा, आपको उसको जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। हम पेरेंटिंग के लिए भी काफ़ी सारा मतलब ऑनलाइन मैंने वीडियो डाले हुए पेरेंटिंग के ऊपर कि भाई बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चे जिम्मेवारी लेते नहीं, उसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो एक तो हम काउंसलिंग में माँ बाप को काउंसलिंग करते हैं, उसमें बोलते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन कैसे सिखाना, और डिसिप्लिन से बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कैसे सिखाना, उनको जवाबदार कैसे बनाना। आप बच्चों को जवाबदार बनाते हो तो ये प्रॉब्लम हल हो जाए। कमल जी का सवाल है, वो सिटालोप्राम लेते हैं 10 mg या कभी कभी 20 भी ले लेते हैं नींद के प्रॉब्लम के लिए, उन्हें ये जानना है कि इसकी आदत लग सकती है क्या। इनका सवाल है कमल का, इनका सवाल है एसिटालोप्राम जो है वो उनको 10 mg 20 mg लेनी पड़ती है। एसिटालोप्राम ये दवाई जो है वो एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन के ऊपर दवाई ली जाती है। पता नहीं आपको डिप्रेशन होगा करके कोई डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की होंगी 10 या 20 mg। अभी बेहतरीन यह है कि डिप्रेशन आपको कब आया था पता नहीं, मगर डिप्रेशन धीरे धीरे अच्छा हो जाता है, यूजली आप एडजस्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसा डिप्रेशन आपका अच्छा हो जाएगा वैसा बेहतरीन यह है कि आप दवाई धीरे धीरे कम करके बंद कर दें, वो बेस्ट है। तो काफी सारे सवाल हो गए। हाँ जी सर, तो जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर के बारे में और एक सवाल है कि ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है कि नहीं। जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक हो सकता है 101%। उसके लिए मैंने बताया था साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, मेडिसिन ये हम उनको देते हैं। और ये लोगों में होता क्या है बेसिकली कि लोग टिकते नहीं है डॉक्टर के तरफ, वो इधर से उधर उधर से इधर जाए। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत फायदा हो जाएगा, टाइम तो लगेगा ही, समय लगेगा, और समय लग के ही मतलब समय लगने से ऑनलाइन यदि वो इलाज लेगा कुछ ना कुछ महीना 2 महीने 4 महीने तो फिर अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास में गए ठीक हो गए 2 दिन दवाई लिया एकदम अच्छे हो गए, ऐसा होगा ही नहीं। तो आपको टिकना पड़ेगा और टिके रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली दवाई लेंगे, कंसिस्टेंटली आप साइकोथेरेपी करेंगे, डेफिनेटली जनरल एंग्जायटी डिसऑर्डर ठीक हो जाएगी। निमलेश जी को सवाल है कि उनको पेट का प्रॉब्लम है और काफ़ी सारी दवाई वो ले चुके हैं फिर भी उनकी प्रॉब्लम समस्या हल नहीं होती, गैसेस चलते रहते हैं। देखो पेट का प्रॉब्लम निमलेश जी और काफ़ी सारी दवाई हो चुकी है, अब ये हमको देखना पड़ेगा कि इसका सोर्स क्या है, जो पेट का प्रॉब्लम है इसका सोर्स क्या है, क्या इसका सोर्स अपने आपके विचारों में है, क्या इसका सोर्स आपके दिमाग में है, क्या इसका सोर्स बचपन में कुछ ऐसी घटना हुई जिसके वजह से आपके पाचन संस्था के ऊपर असर हो गया वहाँ है, हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको स्ट्रेस जो आ रहा है तो जब स्ट्रेस आता है इसका इफेक्ट जो है बैड इफेक्ट वो पाचन संस्था के ऊपर होता है, वो देखना पड़ेगा कि क्या कारण क्या है। क्या होता है यूजली इंसान का ब्रेन जो है ना उसके ऊपर स्ट्रेस आ गया तो एक आधा ऑर्गन पकड़ लेता है, फिर वो ऑर्गन होगा, ऑर्गन मतलब कोई हिस्सा बदन का, वो ऑर्गन होगा सर तो फिर टेंशन आ गया सर दर्द चालू हो जाएगा, कोई आदमी हिस्सा पकड़ लेगा माइग्रेन तो कोई टेंशन आ गया माइग्रेन चालू हो जाएगा, कोई व्यक्ति टेंशन आ गया तो पाचन संस्था का प्रॉब्लम आएगा, ढकार आएंगे, उल्टी आएंगी, नौशिया, जलन वगैरह वो चालू हो जाएंगे, किसको टेंशन आ गया तो खुजली आ जाएगी। तो ऐसे आपका ऑर्गन जो पकड़ा हुआ है वो उन्होंने पेट पकड़ा हुआ है विचारों ने, अभी विचारों के ऊपर काम करना पड़ेगा कि भाई टेंशन क्यों आ रहा है, क्या ऐसा अधूरापन दिमाग में है, क्या विचार आ रहे, क्या ऐसी आदत बना लिया कि आपको टेंशन आता है उसका असर अपने पेट के ऊपर आता है, वो देखना पड़ेगा।
रिमी जी का सवाल है डिप्रेशन के बारे में, और 10 साल से परेशान है, उसके बारे में जानते हैं। डिप्रेशन जो है वो 10 साल से परेशान है, और देखो डिप्रेशन जो है वो एक 10 साल तो एक तो डिप्रेशन रहता नहीं इतना, मतलब 10 साल डिप्रेशन है। हो सकता है कि आप अच्छे हुए होंगे बीच बीच में। यदि वो डिप्रेशन आपको अटैक में आ रहा है और बीच में आप अच्छे हैं, क्योंकि डिप्रेशन यूजली 6 से 9 महीने में ठीक हो जाता है, तो ऐसा कोई डिप्रेशन है कि जो कंटिन्यूस डिप्रेशन है और परिस्थिति जो है उसकी वजह से आप डिप्रेस रहते हो, तो देखना पड़ेगा परिस्थिति को हम कैसा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसा बदल सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, डिप्रेशन यदि अटैक में आ रहा है तो दवाई लेना जब डिप्रेशन आता है तब, और डिप्रेशन फिर से ना आए, डिप्रेशन का अटैक ना आए, उसके लिए भी दवाई आप ले सकते हैं यदि वो केमिकल वजह से डिप्रेशन हो रहा है। विष्णु जी का सवाल है कि मूड चेंज करने के लिए हिप्नोथेरेपी का कैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। मूड चेंज करने के लिए हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखो ऐसा है कि हिप्नोथेरेपी में सबकॉन्शियस माइंड को हम सूचनाएं देते रहते हैं, तो मैंने आपको हिप्नोटाइज किया या आपने खुद के ऊपर हिप्नोटाइज का प्रयोग किया और खुद ने खुद को हिप्नोटाइज किया, तो आप सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी एक्सेस कर सकते हैं हिप्नोटिज्म। अब सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के बाद में सबकॉन्शियस माइंड विजुअलाइज करता है। विजुअलाइज क्या करेगा कि मैं बहुत ही अच्छे सिचुएशन हूँ, अच्छे वातावरण में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, मुझे बहुत एंथुजियास्टिक लग रहा है, मैं बहुत ही उत्साही हूँ, है ना, मुझे मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, आनंदी हूँ। ऐसा यदि आप बार बार सोचते हो, बार बार अपने आप को देखते हो कल्पना के माध्यम से, और बार बार सूचनाएं देते हो, तो डेफिनेटली अंतर मन के ऊपर वो इम्प्रिंटिंग हो जाएगा, जिसके वजह से आप जब सम्मोहन खत्म करेंगे उसके बाद में भी नॉर्मल लाइफ में आप बहुत उत्साही रहेंगे, तो ये सम्मोहन से पॉसिबल है। विजय जी का सवाल है, पाल्पिटेशन से हार्ट अटैक आ सकता है क्या। ये पाल्पिटेशन से, विजय जी को आपने बताया कि पाल्पिटेशन से हार्ट अटैक आ सकता है क्या, तो पाल्पिटेशन मतलब क्या होता है। पाल्पिटेशन मतलब दिल की धड़कन बढ़ना। अब दिल की धड़कन क्यों बढ़ी वो देखना पड़ेगा कि दिल की धड़कन क्यों बढ़ रही है। यूजुअली क्या होता है कि अपना जो रेट है हार्ट रेट वो है 70 से 90, 70 to 90, अप्रोक्सीमेटली 80-82। अब दिल की धड़कन यदि बढ़ रही है तो हार्ट का प्रॉब्लम है क्या देखना पड़ेगा, और हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है और तभी भी दिल की धड़कन बढ़ रही है और बार बार बढ़ रही है, इसका मतलब बार बार आपको टेंशन आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो उसका बुरा असर हार्ट के ऊपर पड़ सकता है। जय देसाई का सवाल है, मौत का डर लगता है और मरने के बाद अपने फैमिली का क्या होगा, इसका टेंशन रहता है। तो यही यूजुअली डेथ फोबिया है, जो हमने बताया था कि हम डेथ फोबिया के बारे में बात करेंगे। डेथ फोबिया है कि आपने किसका कुछ तो भी सुना होगा कि जो आदमी मर गया अचानक, या किसको हार्ट अटैक आ गया, या कोई एक्सीडेंट में मर गया, ऐसा कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, और सुनने के बाद में फिर आपको भी लगता है कि समझो मैं मर गया तो क्या, यह आपके ऊपर ऐसा कुछ अतीत में कोई झटका बैठ गया होगा, कोई एक्सीडेंट से आप बचे होंगे, ऐसा कुछ तभी अतीत में हुआ है जिससे आपको लगता है कि वहाँ तो बच गए, अभी मर गए तो क्या। तो ऐसा है कि अभी आज तो नहीं हो रहा है, ये तो हो गया अतीत में, वो घटना अभी तो नहीं हो रही, इसका मतलब जो है कि जो मरने का डर है, मृत्यु का भय, तो वो काल्पनिक है, तो है तो नहीं अभी, कल्पना में आपके हो रहा है। जब कल्पना में हो रहा है तो आपको वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि अभी वास्तव में क्या है, मुझे जो डर लग रहा है वो डर अतीत की वजह से है, अभी कुछ भी नहीं है, वर्तमान में तो मैं फिट हूँ, ये बार बार जब आप ये करते हैं, उसको उसका एहसास करते हैं, उसको उसकी उसको उसको मतलब नोन लेते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि नहीं ये तो काल्पनिक है, और धीरे 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 उससे आप बाहर आ सकते हैं। बहुत डर लगा तो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स आप ले सकते हो। अजय जी का सवाल है, उन्हें GIT से जुड़ी समस्या है और कॉन्स्टिपेशन रहता है, खाना बराबर जाता नहीं है, वजन कम होता जा रहा है, इसके बारे में वो दवा चाहते हैं, क्या दवा दे सकते हैं उनको। दवा जो है वो एक तो मतलब रिलैक्सेशन पेट का हो जाएगा, है ना, तो उसमें कुछ दवाई है कि जो दवाई आप लेते हो तो जो बॉवेल्स है मतलब पाचन संस्था जो है उसका रिलैक्सेशन हो जाएगा, जो इरिटेबल है, चिड़चिड़ी हो जाती है, तो उसका रिलैक्सेशन हो गया, दिमाग का रिलैक्सेशन हो गया, वहाँ से पेट का रिलैक्सेशन हो गया, तो जो तकलीफ है वो तकलीफ कम हो जाती है। तकलीफ कौन सी होती है, धक्का आना,
फिर ज्वलन आम्लपित्त होना है ना, ऐसी तकलीफें या पेट फूलना, ये तकलीफ होती रहती है, तो ये तकलीफें ठीक हो सकती है। और उसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ साइकोथेरेपी मानसोपचार हम देते हैं, और स्ट्रेस को कैसा हैंडल करना, तनाव को कैसा हैंडल करना, उसके बारे में ट्रेनिंग व्यक्ति का, कि जब तनाव आता है तो तुमको प्रॉब्लम आता है, तो तनाव को कैसा हैंडल करेंगे उसके बारे में भी ट्रेनिंग देंगे, तो वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मेरे ख्याल से काफ़ी सवाल हो गए, तो हम यहाँ कुछ लोगों के सवाल नहीं ले पाए, हाँ कुछ लोगों के सवाल हम नहीं ले पाए है ना, हम फिर से इसमें यूट्यूब पे लाइव पे आएंगे। देखो हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। मेरे काफ़ी सारे वीडियो जो है वो मोटिवेशन के भी हैं, इंस्पिरेशन के भी है, वो भी आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, करीब करीब एक वीडियो में रोज का डाल रहा हूँ, तो उसमें आपको काफ़ी सारा ज्ञान मिलता है। लोग ऐसा हमको फीडबैक देते हैं कि आपके वीडियो देखने के बाद में हमारी बीमारी भी ठीक हो गई। आप ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्या होता है कि काफ़ी लोग बात नहीं करते, मतलब साइकेट्रिस्ट के पास में जाते नहीं हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं क्या पागल हो गया क्या, उनको ये भी मालूम नहीं कि आपको ये बीमारी है कर या मानसिक बीमारी है कर। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यदि आप शेयर करते हैं ना, तो पूरा भारत देश मानसिक सक्षमता भारत देश में आ जाएगी, पावरफुल बनेगा, हर एक व्यक्ति पावरफुल बनेगा, कि उसको ये मालूम पड़ेगा कि ये सब दिमाग का खेल है, उसमें पावरफुली जी सकता हूँ, उसको मैं फेस कर सकता हूँ या उसका इलाज कर सकता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आप ये वीडियो आपके जितने भी ग्रुप होंगे उसमें डालते जाओ, ताकि लोगों का एजुकेशन इसमें होगा, लोगों की लोग प्रशिक्षित हो जाएगी। शेयर करो, लाइक करो, और बेल आइकन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। हम फिर से लाइव आएंगे, अभी भी सब्सक्राइब कर लो, अभी भी आप लाइव है तो अभी भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके जब हम अगली बार लाइव आएंगे, जब हम अगली बार जब आएंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई हम लाइव कब आ रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऑनलाइन, लोग हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते रहते, समझिए यहाँ नहीं आ सकते, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते, और ऑनलाइन कंसल्टेशन करके हमारे जो नंबर दिए उसके ऊपर आप ऑनलाइन भी हमको कंसल्टेशन करके आपका इलाज कर सकते हैं, साइकोथेरेपी ले सकते हैं, और बहुत बहुत फायदेमंद आपका हो सकता है। आपके प्रॉब्लम कमेंट में डाल के रखो, हम उस पर लेंगे, आपके प्रॉब्लम जो है वो आप कमेंट में डालो, ताकि हम उसकी वीडियो आगे चल के हम बनाएंगे। जो भी आपके प्रॉब्लम हो आप डालते जाओ, तो आपको डेफिनेटली वो वीडियो आपका अगले बार डेफिनेटली मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, आप ये चैनल पे आए, यूट्यूब पे आए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।